आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं श्योमी रेडमी 3S की, और ये सेल पे मिला था। इस बार इसकी सेल में काफ़ी कम फोन्स थे तो हमें काफ़ी दिक्कत हुई। हम रेडमी 3S प्राइम चाह रहे थे लेकिन फिर भी रेडमी 3S मिला, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये हमारे हाथ में है श्योमी का रेडमी 3S, और ये आप देख सकते हैं कि इसके नोटिफिकेशन पैनल में इसके बारे में इसका IMEI नंबर लिखा हुआ है और इसके डिटेल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट विद MRPs, और बाकी इसके बारे में जो फीचर्स हैं वो आप इसके अंदर मिलेंगे। तो हम लोग इसको ओपन करने जा रहे हैं। और अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। इस यहाँ पे इसकी सील पैक्ड है तो हम इसकी सील अब ओपन करेंगे। और ये हमारा फोन Xiaomi Redmi 3S, और इसके अंदर हमें HD स्क्रीन मिल रही है 5 इंच, और 430 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 2 GB की रैम है इसके अंदर। अब इसको हम इसके बारे बाकी पार्ट्स देखते हैं। एक हमें अडैप्टर मिला है, अडैप्टर इसके बारे में इसका नोटिफिकेशन बुकलेट में होगा। और हमारे पास एक चार्जिंग केबल है जो कि 2-in-1 है, डाटा ट्रांसफर भी करती है और चार्जिंग भी करती है। ये हो गई हमारी डाटा केबल, दिस इज द एडाप्टर। उसके बाद हमें इसके बारे में एक बुकलेट मिली है विद पिन फॉर द रिमूवल ऑफ द सिम एंड नोटिफिकेशन बुकलेट्स। इसके 2 वेरिएंट्स में है, एक 32 है विद 3 GB रैम विद फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो 3S प्राइम है। हमारे पास ये Redmi 3S है जो कि 2 GB और 2 GB रैम विद 16 GB इंटरनल हार्ड डिस्क मेमोरी के साथ है। अब हम इसको ऑन करेंगे। हम इसको ऑन होने का टाइम देते हैं। हमें इसके अंदर इसका ईयरपीस नहीं मिला है, हमें इसमें इतनी चीजें मिली हैं। और बाकी इसमें ग्लास के बारे में क्या यूज किया गया ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं कि ये इसका वॉल्यूम बटन्स है साइड में विथ 1 power button, एंड इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। आप जानते हैं वो इट्स सिंपल अनलॉक होता है विद पोस्टीरियर कैमरा दैट इज ऑफ 13 MP और फ्रंट कैमरा दैट इज ऑफ 5 MP, होम स्क्रीन बटन्स, कैपेसिटेटिव टच, एंड इसका एक ड्रॉबैक लग रहा है कि इन्होंने इसके साथ ईयरफोन नहीं दिया है जो कि इनको देना चाहिए था। और ये हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कल इसकी अनबॉक्सिंग की थी कल रात में, और उसके आगे ये नहीं चल पा रहा है फ़ोन। इसके जो की बाकी बटन से वो तो काम करते हैं, लेकिन इसका जो टच है, कैपेसिटेटिव टच, वो नहीं काम कर रहा है। इसके कीज़ नहीं काम कर रहा है, नीचे के होम स्क्रीन, बैक, कुछ भी नहीं काम कर रहा। तो हमने इसको रिटर्न करने के लिए इसको अमेज़ॉन वालों को कॉल कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने पे आप परेशान मत हो, इसको रिटर्न करने के लिए तुरंत अमेज़ॉन या जहाँ से भी आपने मंगाया है उनको कॉल बैक करें। ये आप देख सकते हैं, इसका होम स्क्रीन बटन वो नहीं काम कर रहा है, इसका मैनुअल सेटअप नहीं काम कर रहा, कुछ भी नहीं काम कर रहा। वॉल्यूम स्कीजेस के काम कर रहे हैं कि वो अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन उसको टच करके भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसको अब रिटर्न करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज में इसकी रिटर्निंग हो जाएगी, और उसके बाद अपडेट करेंगे कि आपका ऑर्डर कैंसिल होगा कि रिफ़ंड होगा, क्या होगा। और ये हमने हमारा फ़ोन फिर से पैक कर दिया है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था। तो उसके रिटर्न पॉलिसी के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, वो हमने प्रिंट आउट कर लिया है। और ये हमारे पेजेस हैं, 4 पेजेस इन्होंने बोले थे प्रिंट आउट करने के लिए। इसमें इस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि दैट यू हैव टू प्रिंट ऑल दिस, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रिंट देन यू कैन ऑल्सो राइट एड्रेस क्लियरली एंड विद अ डिक्लेरेशन लेटर एंड अटैच ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस। सो हमने तो उसका प्रिंट आउट कर लिया है, तो हम सेकेंड पेज पे चलते हैं। पहले पेज में ये भी है कि आपको उन्होंने पिकअप टाइम दिया है शेड्यूल, विच इज़ ऑफ टुमारो 3 PM to 6 PM, एंड आफ्टर दैट वी हैव रिटर्न मेलिंग लेबल एंड एक्नॉलेजमेंट लेटर। सो इसमें रिटर्न मेलिंग एड्रेस वो डिटैच करके वो इस पर पेस्ट कर देंगे, और एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको खुद रखना पड़ेगा। इसमें एसोसिएट का नाम, सिग्नेचर और एम्प्लॉय का एसोसिएट नंबर होगा, ये आपको खुद रखना पड़ेगा, ये वो पेस्ट करेंगे। तीसरे पेज पे हमारे पास इनवॉइस है इसका, जो कि आपने आपको मिला भी होगा, अगर वो आपके पास है तो आप वो भी रख सकते हैं, या तो आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आपका बिलिंग अमाउंट जो कि रिफंड होते समय आपको पूरा मिलेगा, उसके बारे में भी पूरा लिखा हुआ कितना आपने पेड किया था। और चौथे पे हमारे पास ऑथराइजेशन लेबल है जिसको अंदर पेस्ट करना है, और इन चारों पेजेस के साथ ये रिटर्न हो पाएगा। और इन्होंने कल का शेड्यूल पिकअप लिया है, जिसके बाद ये वाला फ़ोन रिटर्न हो जाएगा, और उन्होंने बोला है कि टोटल अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो कभी भी आपका फ़ोन कोई प्रॉब्लम आने पे आपको वो नहीं होनी है, दिक्कत में नहीं आना है, आप इसको ऐसे सारे प्रोसीजर फॉलो करके और फ़ोन को रिटर्न कर सकते हैं।